लेटेस्ट जॉब की अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ दोस्तों बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगर कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यानी कि ऑफिसर्स इन ग्रेड बी की भर्तियाँ आ चुकी हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन आपकी बिगन हो जाएगी 28/1/2021 से, यानी कि आप एप्लीकेशन जो है बिगन कर सकते हैं 28/1/2021 से। और लास्ट डेट जो इसमें बता रखी है वो बता रखी है 15/2/2021। एग्जामिनेशन की फ़ीस आप लास्ट डेट की जो सबमिट कर सकते हैं वो है 15/2/2021। और इसका जो पेपर वन की जो इसकी डेट दे रखी है एग्जामिनेशन की उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसकी जो डेट है वो है 6/3/2021, यानी कि 6 मार्च 2021 में आपका पहला वाला पेपर हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड जो एग्जामिनेशन डेट है यानी कि पेपर सेकेंड और थर्ड जो है वो आपका मार्च और अप्रैल में होगा। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल के बीच में आपका पेपर सेकेंड और थर्ड भी निपट जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। जनरल और ओबीसी कैटेगरी की अगर आप फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर है 850 रुपये, यानी कि 850 रुपीज़ आपकी जनरल और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपये पे करने पड़ेंगे। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप लोगों को पे करने पड़ेंगे 100 रुपये, और आप इसकी फ़ीस जो है ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एज लिमिट 1/1/2021 के हिसाब से आपकी मिनिमम जो एज है वो होनी चाहिए 21 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 साल होनी चाहिए। दोस्तों इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कुल पोस्टें आ रखी हैं 322, यानी कि 322 पोस्ट आ रखी हैं। पहली पोस्ट आ रखी है ऑफिसर ग्रेड बी के जनरल में। इसकी कुल पोस्टें आ रखी हैं दोस्तों 270, मात्र 270 पोस्टें आ रखी हैं। इसमें एक अच्छा स्कोप है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, इसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, 12th में और 10th में, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और एससी एसटी वालों को जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। ऑफिसर ग्रेड बी डिपार्टमेंट में आपकी 29 पोस्ट आ रखी है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्सेज, फाइनेंस, और आपके इसमें होने चाहिए 55% मार्क्स। और अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स होने चाहिए। ऑफिसर ग्रेड बी टी एस आई एम में आपकी कुल पोस्ट आ रखी है 23। इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स, और आपके प्रतिशत होने चाहिए 55, मतलब 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपके 50% मार्क्स ही होने चाहिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर आपका कौन सा पड़ेगा। अगर दोस्तों आप यूपी में हैं तो आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ पढ़ सकते हैं। और अगर आप अदर स्टेट की बात करें तो आपका दिल्ली, NCR, बिहार, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, या फिर अदर स्टेट इन पैन इंडिया, मतलब आपका कोई भी यहाँ पर पढ़ सकता है। तो आप जो है आप देख सकते हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर की ऑप्शंस अगर आपको देंगे तो आप जो आपको क्लोज लगे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप भर सकते हैं। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि अगर कोई नई जॉब की अपडेट आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।